हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष अनवर बिकॉज़ आई एम डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो होगा ना, वो होगा स्वाइप इफेक्ट पे, बिफोर कलर ग्रेडिंग एंड आफ्टर कलर ग्रेडिंग। ये जो देख रहे हो ना, बीजा आ रहा है यही, एग्जैक्टली यही। सो दोस्त, वो न्यू टू माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। तो क्या करते हैं, अपन काइन मास्टर के अंदर चलते हैं, शुरू करते हैं स्वाइप वाला ट्यूटोरियल। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट 16:9 रेशियो एंड इम्पोर्ट योर वीडियो क्लिप। After importing, start editing your video clip using color filter and color adjustment. Then select your video and create duplicate S layer for the same. Now select duplicate video, then go to split screen option and make sure your duplicate video also fits the screen. अभी तक के इस ट्यूटोरियल में आपने देख लिया कि मैंने कैसे कलर ग्रेड किया एंड उसका डुप्लीकेट क्रिएट किया। अब आगे क्या करना है आपको, जो इनिशियल क्लिप था जिसको आपने एडिट किया था, उसमें से सारे फिल्टर्स हटा दो, जो भी ब्राइटनेस सैचुरेशन में आपने चेंजेस किए उसको ज़ीरो कर दो। कैसे करना है, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। सेलेक्ट ओरिजिनल वीडियो एंड अंडू कलर फिल्टर्स एंड ऑल द कलर एडजस्टमेंट विच वॉज अर्लियर अप्लाइड। नाउ सेलेक्ट डुप्लीकेट वीडियो क्लिप and trim initial 2-3 seconds. Go to in animation option and select wipe right and increase the time to 3. So now I will edit all the clips in the same way. If you want to add audio clip, then mute the original audio and import copyright free music. To save the entire video, press back button, it will be auto-saved. Make sure to select highest resolution, 24 frame rate and bitrate should be always high, and export your video. So now we are done with editing, let's see the video how it is looking. तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जल्दी ही।